परफेक्ट कंट्रोल लेआउट को सेटअप करने के लिए तीन चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, मिस्टेक्स, बॉटम्स ओवरलैप एंड प्लेसमेंट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओवरलैपिंग। ये गेम जितना अपडेट होता जा रहा है उनमें बॉटम काउंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सही से ओवरलैप करना बहुत जरूरी हो गया है। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बटन्स हाइड हो जाते हैं और कुछ नया बटन्स ऐड हो जाते हैं, जैसे ड्राइव करते टाइम, जूम करते टाइम या फिर थ्रोएबल्स को यूज करते टाइम। तो हमें उस सिचुएशन में जो बटन्स हाइड हो जाते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड बटन को प्लेस कर सकते हैं। देखो, जब हम जूम करते हैं तब FPP या TPP बटन और दूसरा फ्री लुक कैमरा बटन हाइड हो जाता है, राइट? लेकिन उसमें एक और फोकल लेंथ एडजस्टमेंट बटन ऐड हो जाता है, तो इस बटन को उन दो हिडन बटन्स के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम थ्रोएबल्स का यूज करते हैं तब जूम बटन हाइड हो जाता है, इसीलिए वहां पे हम कैंसिल बटन को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ड्राइविंग करते हैं तब बहुत सारे बटन्स हाइड हो जाते हैं, जैसे क्राउच, प्रोन, जंप, एम फीचर, पीक बटन एक्सेट्रा, और बहुत सारे बटन्स ऐड भी हो जाते हैं। तो आप इन हिडन बटन्स पे एग्जिट बटन को प्लेस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बटन प्लेसमेंट्स। देखो, यहाँ पे कुछ बटन्स राउंडेड दिखते हैं बट वो एक्चुअली में स्क्वायर बटन्स होते हैं, इसीलिए आपको हमेशा बटन्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में प्लेस करना चाहिए। और अगर आपका स्क्रीन साइज बड़ा है तो आप बटन के साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जिससे आपके मिसटच इशू सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप थ्री फिंगर या फिर उससे ज्यादा फिंगर लेआउट को यूज करते हो तो मैप को टॉप लेफ्ट जगह पे प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके उंगलियों के वजह से वो कम्प्लीटली हाइड हो जाता है। इसीलिए मैप को आपके कैरेक्टर के ऊपर प्लेस कर दो, जिससे मैप के वजह से कोई भी एक्स्ट्रा विजुअल्स मिस ना हो। तीसरी चीज, रिलोडिंग बटन्स को आप फायर बटन या फिर जूम बटन के आसपास में प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हम उन दो बटन्स को यूज करते टाइम रिलोडिंग बटन्स को यूज नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और इससे आपके थंब भी फ्री रहेंगे एम करने के लिए। अब कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। जॉयस्टिक के सेंटर पे हर बार क्लिक करके स्वाइप करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और पहला लोडआउट में लेफ्ट साइड में जहां भी टच करोगे वो जॉयस्टिक के सेंटर बन जाता है। इसके वजह से जितने भी फास्ट कंट्रोल लोडआउट को यूज करते हैं उन्हें विजुअल कन्फ्यूजन होता है, जिसके वजह से वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं दे पाते और उन्हें लगता है उनके जॉयस्टिक साइज एंड पोजिशन में कुछ प्रॉब्लम है। बट फास्ट कंट्रोल लोडआउट में जॉयस्टिक साइज एंड पोजिशन मैटर नहीं करता, और इस इल्यूजन को फिक्स करने के लिए आप जॉयस्टिक को कम्प्लीटली इनविजिबल कर सकते हो, जिससे कोई भी विजुअल कन्फ्यूजन नहीं होगा। और थर्ड कंट्रोल लोडआउट में ये कंफ्यूजन नहीं होते हैं, क्योंकि आप जॉयस्टिक के जिस पार्ट पे टच करोगे उसी जगह से ही पॉइंटर भी स्टार्ट होगा। फायर बटन प्लेसमेंट। बहुत सारे प्लेयर्स दो फायर बटन्स को एक जगह पे रख देते हैं। देखो, लेफ्ट साइड फायर बटन से क्रॉसहेयर मूवमेंट नहीं होता है, बट राइट साइड थंब फायर बटन से क्रॉसहेयर मूवमेंट हो जाता है। इसीलिए अगर आप इंडेक्स फिंगर पे रखोगे तो फायर करते टाइम एम बिगड़ जाएगा, इसीलिए राइट फायर बटन को हमेशा नीचे रखना चाहिए और उसे सिर्फ थंब से कंट्रोल करना चाहिए। और अगर आप थंब फायर बटन को यूज नहीं करना चाहते हो तो उसे डिसेबल भी कर सकते हो, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जितने भी अननेसेसरी बटन्स है उन्हें आप डिसेबल कर दो, ताकि कंट्रोल लेआउट कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आई बटन मिस्टेक्स। कुछ प्लेयर्स आई बटन को क्रॉसहेयर के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जिसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप उस बटन को कम्प्लीटली यूजलेस बना रहे हो। अब कुछ लोगों का जॉयस्टिक स्टॉक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हम जॉयस्टिक को यूज करते हैं हमारा डिवाइस के बटन लेफ्ट जगह पे मिस टच हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए आप बैक कवर को यूज कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना कि बैक कवर से डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे प्रोसेसर अच्छे से काम नहीं कर पाता। फाइनली, ये मेरा कंट्रोल लेआउट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी कर सकते हो, और अभी आपका कंट्रोल लेआउट तो परफेक्ट हो गया, लेकिन क्या आपकी सेंसिटिविटी भी परफेक्ट है? उसके लिए आप राइट वाले वीडियो को देख सकते हो। मैं हूँ अभिषेक और मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में।